पत्थर मारोगे हाँ। स्टीपेस्ट जो है वो एरिया है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा इसमें शॉर्ट के अंदर भी। और इसी जगह लाके G20 को 11 कोचेस के साथ लाके रोक दिया गया था और डेड स्टॉप करने के बाद उसको यहाँ से दोबारा चलाया गया। खोजक पास के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। RG20 की मखसूस चेकिंग आपको सुनाई दे रही है 7FTL 12 प्राइम मूवर के साथ। जी चमन शहर में दाखिल हो रहे हैं, ये टर्न टेबल नज़र आ रहा है आपको चमन का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो ब्लैकस्टोन कंपनी ने स्पॉन्सर की है। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट जो कि गेमिंग हेडफोन है हमें चाइना से भिजवाई है। तो जो लोग गेमिंग वर्ल्ड का हिस्सा हैं ये प्रोडक्ट उनके गेमिंग प्लेयर को इम्प्रूव कर सकती है, ख़ास तौर पे जो PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी और आर्केड गेम्स खेलते हैं। प्रोडक्ट रिकमेंड करने की मेन वजह इस हेडफोन की ऑडियो क्वालिटी है। ये हेडफोन इस्तेमाल करके आप बहुत ही क्लियर साउंड और गेम में होती हुई एक्टिविटी सुन सकेंगे। G800 Mark II की नुमाया खसूसियात बताए देता हूँ। ये बहुत लाइट वेट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ है। इसमें माइक भी लगा हुआ है जो एक बटन दबाने से ऑन और ऑफ हो जाता है। इसका हेडसेट एडजस्टेबल है जो आपके सर के मुताबिक फिक्स हो जाएगा। आराम के लिए इसमें फोम के कुशन लगाए गए हैं जिसकी वजह से लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आवाज़ कम और ज़्यादा करने के लिए भी एक बटन दिया गया है। इसकी केबल बहुत महफूज और मजबूत बनाई गई है जो लंबे अरसे तक साथ देगी। और पीसी के साथ लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा अडाप्टर केबल भी मौजूद है। इसका वजन 269 ग्राम है और ये ग्रे और ब्लैक कलर्स में दस्तयाब है। इसकी कीमत 2750 पाकिस्तानी रुपए के लगभग है। मेरी नज़र में एक अच्छी प्रोडक्ट है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह हम खड़े हुए हैं कोयटा रेलवे स्टेशन के बाहर और एक ठंडी सुबह है। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यहाँ पे टेम्परेचर। और आज आपको लेके चल रहे हैं चमन के सफ़र पे, चमन पैसेंजर। तो कोयटा सीरीज़ की वीडियोस आप देख रहे हैं, तो आपका दोस्त फ़हीम मलिक जो है वो आज हाज़िर है आपको लेके कोयटा रेलवे स्टेशन पे। सुबह सुबह देख लें, बहुत गहमा गहमी है क्योंकि इकट्ठी जो हैं वो 2 ट्रेन्स यहाँ से निकलेंगी। पहली चमन पैसेंजर निकलेगी 349 अप और उसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस निकलेगी यहाँ से। तो उस सिलसिले में जो मुसाफिर हैं वो इकट्ठे हुए हैं, पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। हम भी पहुंच गए हैं और अपने कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम निकलते हैं। 5122 349 आप चमन पैसेंजर को अटैच होने के लिए आ रहा है। और ये खड़ी हुई है मेरी ट्रेन। आप पहले ही मेरे साथ सफ़र कर चुके हैं। प्रिजनर ट्रेन का ट्रैवल मैंने बनाया था, तो प्रिजनर ट्रेन का नाम जो है, कैदियों की ट्रेन का नाम मैंने इसको क्यों दिया था वो आप ये देख लें। ये ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड पे उर्दू में कोयटा, उसके बाद लिखा हुआ है चमन पैसेंजर और फिर दोबारा लिखा हुआ है कोयटा। और ये बाहर आप देख लें ग्रिल्ड हैं। ये ग्रिल्ड किस लिए हैं? क्योंकि इस इलाके के आगे जो बच्चे हैं वो इसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उस वजह से इसको हिफाजत के लिए इन्होंने ग्रिल कर दिया है ताकि पत्थर जो है वो अंदर जाके पैसेंजर्स को ना लगे। और इधर मैं आपको तारुफ करा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हैं यूसुफ भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। कोटा के रेल फ़ैन? खैरियत से? शुक्र अल्लाह। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। किधर लेके जा रहे हैं आज हमें? आज हम आपको चमन लेके जा रहे हैं। चमन लेके जा रहे हैं। पैसेंजर खड़ी है, आपको इसमें सवार करेंगे और इंशाल्लाह ले जाएंगे। सही है। मैं भाई का तारुफ करा दूँ, ये इब्राहिम भाई हैं, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। आप भी रेल फ़ैन हैं माशाल्लाह, तो चल रहे हैं आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? एजाज भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से? आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं, मैं नहीं जाता। अच्छा, बिज़ी हैं आप? सही है। आप सी ऑफ करने आए हुए हैं। तो दोस्तों ये हैं कोयटा के टॉप रेल फैंस, आप देख रहे हैं हमारे फ्रेम के अंदर। कितना टाइम लगेगा यूसुफ भाई? तकरीबन हम 12:30 इंशाल्लाह चमन में 12:30 बजे दोपहर को तकरीबन ये 4-4.5 घंटे का रास्ता है। तो सुना है कि दोस्तान का जो स्टॉप है वो ख़त्म कर दिया है? बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पैसेंजर वगैरह नहीं थे, मतलब कोई अच्छा कमर्शल वर्किंग काम है इस वजह से। बिल्कुल। दोस्तों एक मैं आपको न्यूज़ दे दूँ कि रिसेंटली जो है पाकिस्तान रेलवे ने जो दोस्तान जंक्शन था उसका जो स्टॉपेज है वो ख़त्म कर दिया है क्योंकि वहाँ पे जो कमर्शियल वर्किंग है वो इतनी नहीं है कि ट्रेन को वहाँ पे लेके जाया जाए, और उस वजह से इन्होंने 1 घंटा जो है वो तकरीबन बचाया है। दोस्तों RG 20-5122 अटैच हो गया और साथ वाली ट्रेन में आपको बता दूँ वो जो ट्रेन खड़ी हुई है वो जाफ़र एक्सप्रेस है। ये शंटर इंजन है 5109 जो इसको रेक को लेके आया और यहाँ से अभी इससे अलग हो जाएगा। तो 8:30 बजे निकलेगी चमन पैसेंजर और 9 बजे निकलेगी जाफ़र एक्सप्रेस। ये ट्रेन रवाना हो रही है सुबह 8:30 बजे। आज फिर मोटरसाइकिल मौजूद है इसके अंदर। तकरीबन 4 से 4.5 घंटे का ये ट्रैवल है। 8:30 बजे निकली है और लास्ट टाइम जो है मैं इसमें तकरीबन 1:15 बजे के करीब हम पहुंचे थे। तो आज होपफुली जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि बोस्तान का स्टॉप ख़त्म हो गया। ऑन टाइम हम स्टेशन छोड़ रहे हैं। बस पखेर जशदी। अभी शेख मांदा रेलवे स्टेशन पे अप्रोच करने के बाद हम निकले हैं यहाँ से, और यहाँ से हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त भी एंटर हो गए। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे आप? क्या हाल है? खैरियत से? ये क्या ले आए हो भाई? सर ये ज़्यादा आवाज़ सुनी लेकिन हॉस्पिटलिटी के हवाले से आपके लिए अंडे और रोटी लाया हूँ। अंडे और अफ़गानी रोटी लाया हूँ। ज़बरदस्त। तो ये सोहेल भाई हैं, आप पहले भी मेरी वीडियो में इनको देख चुके हैं। बैठो। तो हमारे साथ चमन तक तो ट्रैवल कर रहे हो या नहीं कर रहे? सर चमन तक तो नहीं, बलेली या कुछलाक तक जाएंगे। बलेली या कुछलाक तक। अच्छा, ये एरिया मुझे डिफाइन कर सकते हो कि इस एरिया की क्या खासियत है जहाँ से गुजर रहे हैं? इस एरिया की सर यहाँ पर कोई खासियत तो नहीं, लेकिन यहाँ पर बच्चे बहुत खड़े होते हैं पत्थर मारने के। पत्थर मारते हैं? बिल्कुल। किसी से कभी पूछा है कि क्यों पत्थर मारते हो? बोलते हैं हम लोग गाड़ी को टेस्ट करेंगे कि मजबूत है कि नहीं। सवाल अभी बलेली रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है ट्रेन हमारी। हाफिज़, बाय बाय। जी सोहेल यहाँ पे उतर गया एक स्टेशन के लिए, हमारे साथ उसने ट्रैवल किया और कुछ मसरूफियात थी इस वजह से वो चमन नहीं जा सके हमारे साथ। अभी कुचलाक रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है ट्रेन हमारी, यहाँ पे स्टॉप होगा इसका। और ये वही मशहूर बाज़ार है कुचलाक का, आपने देखा है जो मैंने आपको रेयर व्यू दिखाया था आखिरी डब्बे से कि लोग कैसे रेलवे लाइन के साथ अपना बाज़ार लगाते हैं। ट्रेन आती है तो थोड़ा पीछे हट जाते हैं और ट्रेन गुजर जाती है तो दोबारा अपना सामान रेलवे लाइन के ऊपर रख लेते कुचलाक रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टॉप हुआ है। आगे 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पे काफ़ी सवारी है, यहाँ पे ख़ास तौर पे लेडीज़ काफ़ी तादाद में सवार हो रही हैं। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? आज फिर चल रहे हैं आपके साथ चमन हम। तो आपको बता दूँ कि पहले इसके 4 डब्बे हुआ करते थे। एक डब्बा जो है वो रिपेयर के लिए गया हुआ है मुगलपुरा, तो वो वापस आएगा तो फिर दोबारा ट्रेन को लगेगा। तो फ़िलहाल अभी ये 3 डब्बों के साथ जो है चल रही है। 3 डब्बे 2.5 डब्बे कहलाते हैं। हाँ जी, 2.5 डब्बे ही हो गए जी। जी कुचलाक रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया हमारा। क्या हाल है सर, खैरियत से? खैरियत, ठीक ठाक। और खैरियत सर, सुना है वो दोस्तान का स्टॉप ख़त्म हो गया सर। फ़िलहाल आर्जी तौर पे जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन नहीं है? नहीं है। पर ट्रेन अभी एंटर होते हो रही है स्टेशन में या नहीं हो रही? नहीं, रुक तो रही है, साइडिंग पे रुक रही है। साइडिंग पे रुक रही है। अच्छा, उधर से कोई टिकट वगैरह पहले भी नहीं होती थी, कमर्शियल वर्किंग नहीं है इतनी वहाँ पर? नहीं है। सही है, मेहरबानी। अभी कुचलाक बाजार से गुजर रहे हैं। दोस्तान जंक्शन की साइडिंग के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं हम, और सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है इसके साथ साथ रेलवे लाइन जा रही है चमन की तरफ, जिसके ऊपर अभी हम जाएंगे आगे। तो यहाँ जो पहले वर्किंग होती थी वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेन जो है वो दोस्तान की तरफ नहीं जाएगी। पर जैसे कि TCR साहब जो ST साहब थे, सॉरी, उन्होंने बताया कि साइडिंग के ऊपर रुकती है ट्रेन। तो अभी देखते हैं, अगर रुकती है तो मैं आपको उतर के दिखाऊँगा। देखें जी, साइडिंग के ऊपर रुक गई है ये। लोग, एक भाई सवार भी हो रहे हैं और एक सवार उतर भी रहे हैं। अभी ये देखें कि हम साइडिंग से चमन की तरफ मुड़ गए हैं और ये वाला जो ट्रैक है ये दोस्तान जंक्शन की तरफ जा रहा है और हम चमन की तरफ मुड़ गए हैं अभी। आपको उधर से मैं दिखाता हूँ। क्या हाल है भाई, खैरियत है? ये किसका कैमरा है? ये कैमरा मेरा है। ये देखें जी, अभी हमारी ट्रेन जो है वो चमन की तरफ मुड़ रही है साइडिंग से। चार सौ 16 किलोमीटर का माइलस्टोन देख रहे हैं रोड़ी से। ML3 है ये और ये हम बाईपास हो गए हैं चमन की तरफ क्योंकि दोस्तान का जो स्टॉप है वो ख़त्म हो चुका है। और इधर से एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा दूँ दोस्तान की एंट्रेंस। वो सामने तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे यहाँ से दोस्तान जंक्शन है। और ये वाला जो ट्रैक है ये चमन से आ रहा है, इस पर ट्रेन रिवर्स होकर जाती थी दोस्तान जंक्शन और दूसरी वाली जो रेलवे लाइन थी उससे कोटा चली जाती थी। आज हम दोस्तान जंक्शन को बाईपास करके चमन की तरफ निकल पड़े। वाले पहाड़ आप देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच बना रही है 349 आप चमन पैसेंजर। और ये सारा जो इलाका है ये ठंडा इलाका है, कोटा से लेके थ्रू आउट शीलाबाग तक, बल्कि चमन भी जो है वो भी ठंडा है। बिल्डिंग जो है आपको वो विंटेज ही मिलेंगी। ये स्टॉप हो गया यहाँ पे। देखें जी यारो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, हाइट अबव सी लेवल 1476 मीटर और 429 किलोमीटर दूर है ये रोडी जंक्शन से। ML3 के ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं अपना चमन रेलवे स्टेशन तक। यूसुफ भाई हमारे साथ साथ हैं। यूसुफ भाई कैसा जा रहा है सफ़र? ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो यार आज ट्राई करते हैं कि लोगों में अगर हमें शीलाबाग बना लें, आपको लोगों की राइड करवाएंगे इंशाल्लाह। चले ज़बरदस्त हो जाएगा ये तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? आप SM यारो हैं? अच्छा, तो ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, आज ट्रेन कवर कर रहे हैं आपकी। तो आप कमर्शियल वर्किंग यहाँ पे बताएंगे कि है टिकट वगैरह सेल है यहाँ पे? आबादी है यहाँ पे। असल में यहाँ से जो ज़्यादातर लोग हैं आसपास के, जो किली वगैरह होती है इलाके, गाँव वगैरह, वहाँ से लोग आते हैं। और सरानान पहले स्टेशन खुला होता था, वहाँ से अभी लोग जो है ना, वहाँ पे स्टेशन क्लोज हो गया था, वहाँ से जो है ना यहाँ पे आते हैं। मसला आप एज़ कम्पेयर टू बोस्तान जो यारो स्टेशन है उसकी कमर्शियल वर्किंग बेहतर है? वर्किंग बेहतर है, सही है। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी सरानान रेलवे स्टेशन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम। यहाँ पे स्टॉप नहीं है इसका, तो थ्रू पास होगा। ये सरनान का स्टेशन था जी। यहाँ पे दो दिन पत्थर भी लगे। कमज़ोर है स्टेशन, देखिए कमज़ोर है। देखा लगे वालों ने, मैं वालों ने मेरे लिए ख़राब है। देखा तो कोटू नहीं करते सरनान स्टेशन है। देखा तो कोटू नहीं करते। आप मुझे बताओ, आप स्टिंग क्यों पी रहे हो? किधर है स्टिंग? वो बहुत कमज़ोर स्टिंग है। ये एक्सपायर है, ये एक्सपायर है। वो कंपनी वाला का बोल है स्टिंग स्क्वायर है, एक्सपायर है ये। ₹80 का बहुत कमज़ोर स्टिंग है। कमज़ोर है स्टिंग, कमज़ोर है, अच्छा वाला नहीं है ये। अच्छा, बहुत कमज़ोर है। क्या हुआ है इसको? ये बस ख़त्म करो, ये कंपनी ख़त्म करो। कंपनी ख़त्म करें, बहुत नाकाम चीज़ है ये। तो आप ना पिया करो ना, आप दूध पिया करो। हाँ, दूध पिया करो, दूध। हाँ, दूध पिएगा वो दाना खुआ रहा है सब बारिश देखो वाला ख़त्म हो। ये इलाका देख रहे हैं कि बिल्कुल बैरन लैंड है, खुश्क इलाका है। ज़मीन के अंदर भी पानी बहुत नीचे है, बल्कि ना होने के बराबर है। और आसमानी पानी जो बारिश के ज़रिए बरसता है, वो भी यहाँ पे बहुत कम होती हैं बारिशें। इसकी वजह से जो एरिया है वो बिल्कुल बंजर है। अभी हमारी ट्रेन गुलिस्तान रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है और सामने आपको खोजक पास के जो पहाड़ हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। और बिल्कुल सामने आपको सेब के जो बागात हैं वो नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े बागात हैं। सोलर पैनल लगे हुए हैं सामने, देखें आप। अब ये मालूम नहीं कि ये स्टेशन के लिए हैं या किसी और पर्पस के लिए हैं। साथ घर भी बने हुए हैं। और ये छोटी सी बिल्डिंग गुलिस्तान रेलवे स्टेशन की। हाँ जी, दूध पिएगा ना खान? स्टिंग नहीं पीना है। हाँ, ये स्टिंग वाले खान साहब थे जिनको कमज़ोर स्टिंग किसी ने पकड़ा दी थी। गुलिस्तान से डिपार्चर हो रहा है अभी हमारी ट्रेन का। और इससे जो आगे वाला स्टेशन है वो किला अब्दुल्ला का है, और किला अब्दुल्ला से अगला स्टेशन जो है वो शेलाबाग है। सुबह के 10:40 हुए हैं और हम डिपार्चर कर रहे हैं गुलिस्तान रेलवे स्टेशन से। गुलिस्तान से डबल ट्रैक शुरू हो गया और ये चमन तक जो है हमारे साथ साथ डबल ट्रैक चलेगा। अभी हम किला अब्दुल्ला रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और 10:58 जो है उसका अराइवल टाइम है वहाँ पे। और 2 मिनट स्टॉप के बाद आगे निकलेगी। RG-20 की चेकिंग सुनाई दे रही है आपको। खोजक पास पे जो ग्रेडियंट अप ग्रेडियंट सेक्शन है उसका जो परसेंटेज है वो 4.1% के ऊपर अप ग्रेडियंट ट्रैक यहाँ पे बिछा हुआ है और काफ़ी स्टीप है ये। राइट टाइम अराइवल हुआ है किला अब्दुल्ला रेलवे स्टेशन पे 3:49 आप चमन पैसेंजर का। किला अब्दुल्ला से डिपार्चर हो गया और मैं लोकोमोटिव की नोज़ के ऊपर आगे खड़ा हो गया हूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आज आप बिल्कुल ही डिफरेंट जो हैं वो सीन्स देखेंगे, शीलाबाग के अंदर से भी लेके जाएंगे, टनल का व्यू दिखाएंगे आपको। और अभी जो मेरा जो पसंदीदा एरिया है जो अभी चढ़ाई शुरू होगी शीलाबाग के लिए वो स्पेशली मैं आपको कवर करके बाहर से दिखाऊँगा। आ गया जो जहाँ पे G20 का ट्रायल किया गया था। अप्रोच बना रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे लंबी रेलवे टनल मौजूद है जिसकी लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर है और एग्जैक्ट अगर उसकी लंबाई की बात करें तो वो 3.9 किलोमीटर लंबी है, 3.9 किलोमीटर। और खोजक पास के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और बर्फ़ के अंदर जब स्नो फॉलिंग हुई भी होती है यहाँ पे तो ये नज़ारा काबिल दीद होता है और एक अलग ही मंजर पेश हो रहा होता है उस वक्त। हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी होती है और पहाड़ जो हैं वो सब के सब जो हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं। बहुत करीब आ चुका है। और इतनी ठंडी हवा यहाँ सामने नोज पे लोकोमोटिव के लग रही है कि नाकाबिले बयान है। सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट जो है वो एरिया है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा इसमें शॉर्ट के अंदर भी। और इसी जगह लाके G20 को 11 कोचेस के साथ लाके रोक दिया गया था और डेड स्टॉप करने के बाद उसको यहाँ से दोबारा चलाया गया। और G20 ने अपना आप जो है वो साबित किया उस ट्रायल के अंदर। कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉइंट है खोजक पास, चढ़ाई जो है वो मज़ीद बाकी है दोस्तों। घबरा मैं भी नहीं रहा और मज़ा आपको भी आ रहा होगा। शेलाबाग रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं और अभी तक का पाकिस्तान का जो वर्किंग हाईएस्ट अबव सी लेवल रेलवे स्टेशन है वो शेलाबाग है। सामने आपको फेमस सुरंग नज़र आ रही है जो बहुत ही मशहूर और मरूफ सुरंग है, इसका भी आपको अंदर से व्यू दिखाएंगे भी हम। RG-20 की मखसूस चेकिंग आपको सुनाई दे रही है 7FTL-12 प्राइम मूवर के साथ। पाकिस्तान की सबसे लंबी सुरंग जो खोजक पास के अंदर बनाई गई थी, तो 1 किलोमीटर माइलस्टोन भी क्रॉस किया है हमने, जो कि डिस्टेंस है रोडी जंक्शन का। टनल आ गई है। तो यहाँ से डाउनग्रेड ट्रैक जो शुरू हो गया जो थ्रू आउट चमन तक जाएगा और ऐसा हम नीचे उतरते जाएंगे। और सामने ऊपर आप देखें आपको ट्रक नज़र आ रहा है जो लोडेड है और सामान लेके जा रहा है। आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, ये वही ट्रैक है जिस पे हम जा रहे हैं और आगे से घूम के नीचे आ गया है क्योंकि हमें चमन भी लेके जाना है इसमें। और अभी हम जो है वो थोड़ा ऊपर हैं और घूम के वहाँ से सामने वाले ट्रैक के ज़रिए नीचे आ जाएंगे। तो मैन मेड मार्वलस है, इंसानी हाथ का बनाया हुआ अजूबा है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान रेलवे अपने रेलवे ट्रैक्स को मज़ीद बेहतर करेगा और मज़ीद ट्रेन जो हैं वो चलाई जाएंगी। यहाँ से काफ़ी स्टीप जो है डाउनग्रेड स्टार्ट हो गया। अभी हम एकदम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और सामने वो ट्रैक है जिस पे हमने जाना है और इस टनल से पास थ्रू होंगे। ऊपर वाली जो माउंटेन आपको नज़र आ रही है इसमें से हम के जरिए गुजरते हुए आ रहे हैं। सामने चमन सिटी नज़र आ रहा है जहाँ भी हम जाएंगे। हमारा और आपका 349 अब चमन पैसेंजर का सफ़र जारी है। रेलवे के एहलकार खड़े हुए आप वो उनको ग्रीन सिग्नल भी दे रहे हैं साथ साथ। रोशन इसलिए लगा हुआ है कि लाइव काम हो रहा है साथ वाले रेलवे ट्रैक के ऊपर। पत्थर लेके खड़ा हुआ है और मैंने उसको मना किया तो वो हंस रहा है। पत्थर मारोगे? हाँ, अभी चमन शहर की हदूद के अंदर दाखिल हो गए और थोड़ा सा ही आगे जाके चमन का रेलवे स्टेशन है। जो कि मगरिब की जानिब पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है और इससे आगे अफगानिस्तान का बॉर्डर है और स्पिन बोल्दक शहर है अफगानिस्तान का। 518 किलोमीटर का माइलस्टोन क्रॉस कर रहे हैं और 518 किलोमीटर का जो फासला है वो है रोडी जंक्शन से। ट्रैफिक देखें, लोग किस तरह बिला खौफ व ख़तर ट्रैस पासिंग करते हैं, जो कि एक जुर्म है। जी चमन रेलवे स्टेशन, चमन शहर में दाखिल हो रहे हैं। ये टर्न टेबल नज़र आ रहा है आपको चमन का, इसकी एक वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको मैंने वर्किंग दिखाई सारी। ये पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है। इससे आगे अफगानिस्तान का बॉर्डर है और बॉर्डर से जो जुड़ा हुआ शहर है अफगानिस्तान का वो स्पिन बोल्डक है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा और आपका साथ था यहीं तक। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।